हे गाइस, कैसे हो? आशा करता हूँ हमेशा की तरह लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। और जब भी आप लोग को नया एंड्रॉइड गेम खेलने का मन करता होगा तो मेरे चैनल को आप लोग चेकआउट जरूर करते होंगे। तो गाइस, मेरा नाम है आकाश सैनी और मैं आज फिर से एक और जबरदस्त वीडियो के साथ वापस आ गया हूँ। तो दोस्तों, मैं जो है काफी टाइम से पावर रेंजर के गेम्स के ऊपर वीडियो बनाने की सोच रहा था, तो इसलिए आज मैं आप लोग को पावर रेंजर के ऐसे 5 जबरदस्त गेम्स के बारे में बताने वाला हूँ ना, जिनको आप लोग जो अपने स्मार्टफोन में खेल सकते हो। देखो यार, गेम्स की बात तो हम लोग करते रहेंगे, हमारा काम ही यही है, लेकिन उससे पहले गाइस मुझे आप लोग कमेंट करके ये बताओ कि गाइस आपकी पावर रेंजर की सबसे फेवरेट सीरीज कौन सी है। अगर मैं अपनी बात करूं ना, तो मेरे को सबसे अच्छी लगती है पावर रेंजर एसपीडी, उसके बाद समुराई और एक और है यार, लेकिन उसका नाम मुझे ध्यान नहीं आ रहा। मैंने काफी सर्च भी किया लेकिन मुझे वो मिली नहीं। अगर आपने अपनी फेवरेट सीरीज का नाम कमेंट कर दिया है ना, तो चलो फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हमारे आज के पहले वाले गेम का नाम होने वाला है पावर रेंजर डाइनो चार्ज। साइज गेम का लगभग 250 MB के आसपास है और गेम खेलने पूरी तरीके से ऑफलाइन है। सबसे पहले तो यार, इस वाले गेम को जो है प्ले स्टोर से हटा दिया गया है, मुझे नहीं पता है कि क्यों हटाया है। तो गेम आप लोग को मिलेगा टैप टैप ऐप पे, तो वहां से आप लोग डाउनलोड कर लेना, मैंने भी वहीं से डाउनलोड किया है। गेम खेलने में गाइस अच्छा है, खेलने में आप लोग को मजा आएगा। यहाँ पर आप लोग को एक स्टोरी देखने को मिलती है, जिसको जो डिफरेंट टाइप के चैप्टर के अंदर डिवाइड किया हुआ है। अच्छी स्टोरी है, मजा आएगा देखने में भी आपको और खेलने में मजा आएगा। बाकी गाइस, गेम की ग्राफिक्स क्वालिटी अच्छी है, लेकिन हाँ ये बात है कि गेमिंग स्टाइल मेरे गेम का इतना अच्छा नहीं लगा है। कंट्रोल्स गेम के थोड़े से अजीब से है, आप लोग गेम प्ले में चेकआउट कर सकते हो, बताने से इतना अच्छा समझ में नहीं आएगा जितना कि देख के समझ में आएगा। ओवरऑल गाइस एक अच्छा गेम है, गेम को अगर आप लोग अभी खेलना स्टार्ट करोगे ना, तो 2 घंटे के अंदर आप लोग गेम को कंप्लीट करके अनइंस्टॉल भी कर दोगे। एट द लास्ट गाइस एक अच्छा गेम है पावर रेंजर का, जिसको आप लोग डाउनलोड करके खेल सकते हो। अगले वाले जबरदस्त गेम की बात करें तो इसका नाम है पावर रेंजर लेगेसी वॉर। साइज गेम को 700 MB के आसपास होने वाला है और ये जो पावर रेंजर का इकलौता ऐसा गेम है जो कि यार मल्टीप्लेयर है। तो गाइस ये वाला गेम जो उन लोगों के लिए परफेक्ट है जो कि पावर रेंजर गेम भी खेलना चाहते हैं और वो जो ऑनलाइन भी होना चाहिए, जिनसे खेलते तो उन लोग का मन ना बने। तो यार यहाँ पर आप लोग जब PvP बैटल करते हो, ग्राफिक्स क्वालिटी गेम के आप लोग चेकआउट कर रहे हो, तो इस गेम को आप लोग खेलना ऐसे है कि आपके रेंजर के पास जो डिफरेंट टाइप के अटैक होते हैं उनको यूज करने में आप लोग कुछ एनर्जी लगती है। तो कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट गेम का रखा हुआ है। बाकी कई इस गेम को खेलते खेलते आप लोग जो डिफरेंट टाइप के रेंजर्स को अनलॉक कर सकते हो, उनका लेवल भी आप लोग को अपग्रेड भी करना पड़ेगा। तो थोड़ा थोड़ा ये गेम जो पे टू विन है, मतलब जो आपसे पहले से खेल रहा है ना, वो डेफिनेटली आप ज्यादा पावरफुल होगा। ओवरऑल गाइस ये भी एक अच्छा गेम है, तो इसको भी लोग चाहो डाउनलोड करके खेल सकते हो। गेमर्स, उससे पहले हम लोग जो अगले वाले गेम की बात करें, मैं आप लोगों से एक छोटी सी न्यूज डिस्कस करना चाहता हूँ। लाइक गाइस, कल मुझे पता चला कि यार फ्री फायर जो है उसको जो है प्ले स्टोर से और ऐप स्टोर से हटा दिया गया। पहले तो गाइस ये बात सामने आई थी कि शायद यार क्राफ्टोन ने जो है गेम के ऊपर कॉपीराइट का स्ट्राइक लगाया। लाइक जैसे यूट्यूब पे नहीं होता कि अगर आप किसी कॉन्टेंट यूज करते हो तो वो जो आपको कॉपीराइट स्ट्राइक देता है, ऐसे गाइस क्राफ्टोन ने बोला है कि यार फ्री फायर जो है पबजी गेम की कॉपी है या फिर BGMI गेम की कॉपी है, तो इसे उन्होंने स्ट्राइक दिया है। लेकिन फिर यार ये वाली बात भी सामने आई कि यार फिर से जो इंडिया ने कुछ चाइनीज एप्स को बैन किया है, तो उनमें से फ्री फायर भी एक गेम है। तो गाइस पता ही नहीं चल रहा कि क्या सच है क्या झूठ है, एक्चुअली में हुआ क्या है फ्री फायर के साथ। बाकी गाइस मेरे को लगता है फ्री फायर काफी पॉपुलर गेम है, तो डेफिनेटली गई ना कुछ तो करेगा ही। तो आप लोग चिंता मत करो, अगर आप लोग फ्री फायर खेलते हो ज्यादा टेंशन आप लोग मत लो। मेरे हिसाब से 1-2 महीने के अंदर जो फ्री फायर फिर से प्ले स्टोर और ऐप स्टोर पे आ जाएगा। तो चलो फिर यार अब जो अगले वाले गेम की बात कर लेते हैं। तो थर्ड नंबर पर मैंने जिस गेम को रखा है, इसका नाम है पावर रेंजर समुराई। साइज की बात करूँ तो लगभग 900 MB के आसपास है। तो दोस्तों इस वाले गेम कर आप लोग जो प्ले स्टोर पे और टैप टैप ऐप पे सर्च करने मत बैठना, क्योंकि कई ये वाला गेम जो डेवलप हुआ था निंटेंडो वी कंसोल के लिए, लेकिन आप लोग बड़े ही आसानी से गेम को अपने स्मार्टफोन में खेल सकते हो। तो गाइस ये भी जो काफी अच्छा जबरदस्त गेम होने वाला है, बड़ी प्यारी स्टोरी गेम में दिखाई हुई है। ग्राफिक्स क्वालिटी गेम भी गाइस ठीक है, क्योंकि पुराना गेम भी तो है ना, उसके हिसाब से गेम की ग्राफिक्स क्वालिटी ठीक है। तो गाइस ये वाला गेम जो उन लोगों के लिए परफेक्ट है जो कि यार कंसोल की तरह एक रोल प्लेइंग गेम खेलना चाहते हैं। ये जो रोल प्लेइंग गेम होने वाला है, जिसमें यार आप लोग जो अपने हिसाब से अपने कैरेक्टर को चला फिर सकते हो। यहाँ पर गाइस आप लोग को जो एनिमी के साथ उनके बॉसेस से फाइट करने में मजा आने वाला है। एट द लास्ट गाइस ये भी जो एक बहुत ही जबरदस्त गेम है, तो इसको भी आप लोग डाउनलोड कर लेना चाहिए। फोर्थ नंबर पर मैं आपको जिस पावर रेंजर वाले गेम के बारे में बता
बता रहा हूँ, इसका नाम है पावर रेंजर डायनो थंडर। साइज की बात करें तो लगभग यार 1.3 GB का है। वैसे तो गाइस ये वाला गेम भी खेलने में ठीक है, लेकिन साइज के कंपैरिजन के हिसाब से गाइस मुझे गेम खेलने में इतना अच्छा नहीं लगा है। गेम को डाउन करने के लिए गाइस आप लोगों को 1.3 GB डाटा खर्च करना पड़ेगा, और उसके बाद भी गाइस गेम की आप लोग ऐसी ग्राफिक्स क्वालिटी देखने को मिलेगी, और आप लोग गेम प्ले में चेकआउट कर पा रहे हो कि आप लोग को जो डायनासोर कंट्रोल करना है, जिनको यार इस वाले गेम में जो जोर्स बोलते हैं। बाकी गाइस गेम में आप लोग को अच्छी स्टोरी देखने को मिलेगी, इसमें कोई डाउट नहीं है, बस गेम प्ले मेरे को अच्छा नहीं लगा है, हो सकता है कि आप लोग को पसंद आया हो। ओवरऑल गाइस ये भी पावर रेंजर का अच्छा गेम है, जो कि मुझे अच्छा नहीं लगा है, लेकिन आप लोग को पसंद आ सकता है, इसलिए गेम के बारे में मैंने आप लोग को बता दिया। आप अगर डाउनलोड करने का मन करे तो डिस्क्रिप्शन जाके डाउनलोड कर लेना। अगले वाले गेम के बारे में बताने से पहले मेरी गाइस आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग को मेरी वीडियो पसंद आई है ना, तो गाइस मेरी इस वीडियो को एक लाइक कर दो, साथ ही में आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, क्योंकि यार मैं ऐसी जो टॉप 5 एंड्रॉइड गेम्स के ऊपर वीडियो बनाता रहता हूं। तो अगली बार जब भी आप लोग को नया एंड्रॉइड गेम खेलने का मन करे ना, तो मेरे चैनल को आप लोग चेकआउट कर सकते हो, आप लोग को जो खेलने के लिए ढेर सारे जबरदस्त गेम्स मिल जाएंगे। तो चलो फिर यार हमारे आज के आखिरी वाले गेम का नाम होने वाला है पावर रेंजर डैश। साइज की बात करूं तो यार 60 MB का है, और गेम जो खेले पूरी तरीके से ऑफलाइन है। पावर रेंजर का ये सिंपल सा गेम है। गेम प्ले में आप लोग देख ही पा रहे हो कि ये जो प्लेटफॉर्म गेम होने वाला है, तो यार यहाँ पर आप लोग को जो छोटे छोटे मिशन कंप्लीट करने हैं, आप लोग को जो 3 पावर रेंजर देखने को मिल जाते हैं, तो तीनों का ही आप लोग जो अनलॉक कर सकते हो। बाकी गाइस इसके अलावा गेम में आप लोग को पावर अप भी देखने को मिल जाती है, तो उनको भी यूज करने में आप लोग को मजा आएगा। ओवरऑल गाइस बाकी गेम जितना अच्छा गेम तो नहीं है ये, लेकिन गाइस गेम का साइज काफी कम है, तो अगर आप लोग कम एमबी में कोई पावर रेंजर गेम ढूंढ रहे हो ना, तो इससे अच्छा गेम आप लोग को नहीं मिलेगा। तो मेरे प्यारे भाइयों आज के लिए इतने गेम थे। आशा करता हूँ गाइस जिन पावर रेंजर गेम्स के बारे में आज मैंने आप लोग को बताया है, ये वाले आप लोग को पसंद आए होंगे। इस बात की गारंटी गाइस मैं लेता हूँ कि इससे अच्छे गेम नहीं है, ना ही प्ले स्टोर पे अवेलेबल है, ना ही टैपटॉप ऐप पे अवेलेबल है, ना ही किसी एमुलेटर के लिए अवेलेबल है, इससे अच्छे गेम्स नहीं है, मेरी बात आप लोग मान जाओ। तो जल्दी से मुझे कमेंट करके बताओ कि आप लोगों को सबसे अच्छा गेम कौन सा लगा है। अब हमारी फिर से मुलाकात होगी अगली वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।